हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर संदीप जसल, और आज हम टॉपिक जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, घुटनों का दर्द। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, और बेस्ट रेमेडीज जो कि आप अपना सकते हैं, नेचुरल रेमेडीज जो कि बिना साइड इफेक्ट्स के आपके घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और ऑनसेट ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी के बढ़ने को रोक सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि आमतौर पे सब लोगों को आज या कल या परसों, जल्दी या देर सवेर, कभी ना कभी होनी ही है। सो इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप में हम चाहेंगे कि ये जानकारी आप तक पहुंच पाए। आगे चलते हैं और इस प्रेजेंटेशन में आपको पता लग जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या और कितनी तरह के आर्थराइटिस होते हैं। और जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, दिस इज माय ब्रीफ प्रोफाइल, दैट इज आई एम डॉक्टर संदीप जसल एंड आई एम अ कंसल्टेंट इन इंटेग्रेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोचिंग। और इससे पहले कि हम शुरू करें, ये बताना ज़रूरी है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्सेस से ली जाती है, जिसको आपको आसानी से समझ करके बस एक्शनेबल करना है, यानी कि अपनाना है, और आपको सेहत जो है सेहतमंद रहने में ये जानकारी बहुत सहायक हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा मिशन है एड ईयर्स टू लाइफ, एड लाइफ टू ईयर्स, आपकी ज़िंदगी में हम जोड़ें कई और वर्ष और भर सकें ज़िंदगी उन कई वर्षों में। तो दोस्तों, लिव लाइफ मोर के सौजन्य से मैं आपसे बात करता हूँ, और आज सबसे पहला जो स्लाइड है हमारा वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक आमतौर पे घुटनों में जो तकलीफ होती है, जोड़ों का दर्द होता है, जो कि घुटनों में कहा जाता है कि घिसने की वजह से होता है, वेयर एंड टियर आर्थराइटिस भी इसे बोलते हैं। तो पेन, स्वेलिंग, माइल्ड इन्फ्लेमेशन ये आमतौर पे रहती हैं, और इसके कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि NSAID, जो कि आमतौर पे पेन किलर्स का नाम होता है, मेडिकल नेम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक ड्रग्स। सो इनका असर क्या होता है कि ये पेन को ख़त्म करते हैं, लेकिन उतनी ही देर ख़त्म करते हैं ना जितनी देर आप इसका असर रहेगा, और जब इसका असर ख़त्म हो जाएगा दवाइयों का, आपको फिर से नई एक टैबलेट, एक कैप्सूल नया खाना पड़ेगा। क्योंकि घुटनों का दर्द, जो ये वाला दर्द है, वो वेयर एंड टीयर है, जो जितना घिस गया, जितना कार्टिलेज बीच में जो कुशन है वो दब गया, उसने वापस तो आना नहीं, तो ये तो हमेशा का दर्द है। तो आप रोज़ रोज़ ये दवाई खाएंगे, तो कितनी देर आप दवाई खा लेंगे? और फिर अगर दवाई असरदार है तो उसका बुरा असर भी तो होगा, तो साइड इफ़ेक्ट को कौन ठीक करेगा? तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने नेचुरल ट्रीटमेंट से ज़्यादा देर तक इसको ठीक करने की कोशिश करें। और आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे वो टिप जो कि सबसे ज़्यादा असरदार और सबसे ज़्यादा किफ़ायती, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, वो आपसे इस वीडियो के आखिर में शेयर करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जिनको इस जानकारी की ज़रूरत हो, रिसर्च और अच्छी सटीक जानकारी की, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस बीच हम चलते हैं अगली स्लाइड के तरफ, और ये पहला हमारा फूड है, नेचुरल फूड, जो कि है कुर्क्यूमिन। कुर्क्यूमिन दोस्तों हमें मिलता है टर्मरिक यानी कि हल्दी में, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है टर्मरिक का, हल्दी का, कुर्क्यूमिन। और 2019 में एक लेटेस्ट स्टडी हुई थी जो कि 139 पीपल विद OA, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों के दर्द से पीड़ित थे, और उनको 50 मिलीग्राम ऑफ डाइक्लोफिनेक BID यानी कि दिन में दो बार दिया गया। डाइक्लोफिनेक एक कॉमन पेन किलर है, और उनमें से कुछ लोगों को साथ ही में 500 मिलीग्राम ऑफ कुर्क्यूमिन TID, 3 बार 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल दिया गया। और दोनों ग्रुप्स को जब स्टडी किया गया तो बिना साइड इफेक्ट्स के जिस ग्रुप को हल्दी का एक्सट्रैक्ट दिया गया, उनमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, और साइड इफ़ेक्ट्स के बिना रिजल्ट्स मिले। तो ये स्टडी का वो स्क्रीनशॉट है जो आपके लिए हमने शेयर किया हुआ है, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ कुर्क्यूमिन वर्सेस डिक्लोफिनेक इन नी आर्थराइटिस। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो एक जगह एक चीज़ यहाँ बतानी आपको ज़रूरी है कि एक फ्रेश टूथपेस्ट
टीस्पून जो पिसी हुई हल्दी का है उसमें 200 मिलीग्राम ही क्यूमिन होती है, लेकिन अगर आपको 1500 मिलीग्राम जुटानी है तो 7.5 चम्मच आप पूरे दिन में खा नहीं पाते हैं। तो आप थोड़ा क्यूमिन ले सकते हैं एक्सट्रैक्ट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, और थोड़ी जो टर्मरिक है गोल्डन मिल्क के रूप में ले सकते हैं, 1 या 2 चम्मच दूध में डाल करके, और फिर 1-2 चम्मच आप अपनी सब्जी और दालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी की मात्रा जो है वो 1-2 कैप्सूल में आप पा सकते हैं। इससे आगे चलते हैं रेस्वेराट्रॉल। रेस्वेराट्रॉल दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, जो कि आमतौर पे वाइन का सेवन करने वाले लोग, खासतौर पे रेड वाइन का सेवन करने वाले लोग बहाने से इसको लेते हैं, लेकिन बताना ये ज़रूरी है कि 1 ग्लास वाइन में सिर्फ 1 मिलीग्राम ऑफ रेस्वेराट्रॉल होता है। और एक स्टडी जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी उसमें ये बताया गया था कि 500 मिलीग्राम्स ऑफ रेस्वेराट्रॉल जो कि 110 पेशेंट्स को दिया गया, उनमें अच्छे रिजल्ट्स पाए गए, पेन पेन में कमी आती हुई पाई गई उनमें। तो लेकिन अब इसको नेचुरल सोर्सेस से जुटाना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको इसमें, कि ब्लूबेरीज 100 ग्राम में सिर्फ 0.383 मिलीग्राम मिलता है। सबसे अच्छा मलबरी, मलबरी जो कि इंडिया में जिसे हम शहतूत बोलते हैं, शहतूत की बेरी, उसमें 100 ग्राम शहतूत में 5 मिलीग्राम होता है, लेकिन फिर भी आपको इतना जुटाने के लिए आपको काफ़ी मात्रा में मलबरीज का सेवन करना पड़ेगा, इसलिए आपको हो सकता है कि सप्लीमेंट लेना ही पड़े। बॉसिविलिया सेराटा, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वंस। शलाई गूगल बोलते हैं, सलाई गूगल बोलते हैं, शलाकी बोलते हैं, आयुर्वेद में इसका बहुत विवरण है और मैं इसको बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बॉसिविलिया सेराटा को इंग्लिश में फ्रैंकिनसेंस ट्री की गम है, रेजिन है, ये गोंद निकलती है उसके तने में से, स्टेम में से, और इसको हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बॉसविलिक एसिड कंटेंट, जो कि अच्छी प्रॉपर्टीज जिसकी पाई गई हैं इन मैनेजमेंट ऑफ पेन रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। तो दोस्तों बायोकेमिकल बैलेंस को रिस्टोर करने में, और कार्टिलेज का जो लॉस है, कार्टिलेज क्या है, जो एक कुशन है जो दो बोन्स के बीच में नी जॉइंट में है, तो उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलती है। 2019 की ये स्टडी में बताया गया था। आगे चलते हैं कोलेजन। दोस्तों कोलेजन जो कि टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार का होता है, उसमें एक छोटी सी स्टडी 39 पीपल के ऊपर की गई थी, जिसमें 1500 मिलीग्राम्स ऑफ एसीटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल का सेवन किया गया था रोज़, और उसके कंपैरिजन में 10 मिलीग्राम ऑफ कोलेजन टाइप 2 इस्तेमाल किया गया और 3 महीने में बड़े अच्छे रिजल्ट्स पाए गए। ये स्टडी का स्क्रीनशॉट है जो कि यूरेशियन जर्नल ऑफ मेडिसिन में आपको हमें देखने में मिली थी। लेकिन कोलेजन भी सप्लीमेंट के रूप में, पाउडर के रूप में आता है, बोन ब्रॉथ पाउडर, बोन्स का पाउडर होता है एनिमल्स की, और उसके अलावा ये सप्लीमेंट्स के रूप में हमें मिलता है। नेचुरली जुटाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश ऑयल जो कि फिश से हमें मिलते हैं, सालमन, कोल्ड वाटर फिश, उसके अलावा हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं फ्लैक्स सीड से, चिया सीड से, वॉलनट्स यानी अखरोट से, पम्पकिन सीड से, सोयाबीन और टोफू से, कनोला और ऑलिव ऑयल से। तो दोस्तों इसका सेवन करके आप भी जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये एक सप्लीमेंट है जो हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं अपने पेशेंट्स में। पहले 3 महीने हम 750 mg मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 बार देते हैं, यानी कि 1500 मिलीग्राम एक दिन में ग्लूकोसामिन जुटाना होता है, और फिर अगले 3 महीने हमें 750 mg ही बहुत होता है। तो टोटल 6 मंथ्स की थेरेपी है और लोगों को बहुत राहत मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किफ़ायती जो तरीका मैंने आपसे को प्रॉमिस किया था हम बताएंगे, वो ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप वज़न कम करने की कोशिश करें, क्योंकि हर 1 किलोग्राम फालतू का जो वज़न है आपके शरीर में, उनको आपके घुटने जब लेके चलते हैं, और जब आप अपने शरीर का वज़न एक घुटने से दूसरे घुटने पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके ऊपर 4 टाइम्स लोड पड़ता है एक
किलो के पीछे 4 किलो का लोड पड़ता है, और अगर 10 kgs ओवरवेट हैं आप तो 40 kgs ओवरलोड आपको हर स्टेप पर आपका नी जॉइंट उठाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना ज़रूरी है, और इसके लिए हम यही गुजारिश करेंगे कि अपने खाने को आप यूज़ करें एज अ मेडिसिन, ना कि मेडिसिन को यूज़ करें एज फूड। और हम अपने 400,000 कंसल्टेशंस के एक्सपीरियंस के साथ 25 ईयर्स से जो हम कर रहे हैं livelifemore.com के ज़रिए आपसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे नंबर्स हैं जिस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब और समय ना लेता हुआ अभी लेता हूँ आपसे इजाज़त। अगर आपको ये जो हेल्थ टिप है पसंद आया हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो पाए, उनको भी अच्छी जानकारी मिल पाए। और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो आपके लिए लेके आए तो आप तक सबसे पहले उसकी जानकारी पहुँचे। और कौन से टॉपिक्स पर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं कॉमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, हम ज़रूर उन टॉपिक्स को कवर करना अच्छा समझेंगे, अपना सौभाग्य समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। Till we meet again, stay blessed, stay informed, and live life more. Bye-bye.